Hello friends, in this video we will learn how to insert a page number as per your requirement. जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे पेज नंबर कैसे डालना है. अभी इसके लिए मैं आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ. मेरा ये जो दो पेजेस है उसके नीचे मैंने ऐसे बहुत सारे पेजेस बनाए हैं जो कि आप देख सकते हैं. तो अभी मुझे क्या चाहिए कि ये जो फर्स्ट दो पेजेस है उसके ऊपर पेज नहीं आना, नंबर नहीं आना चाहिए, और नीचे के सारे पेजेस से नंबर आना चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसा. समझ गया आपको क्राइटेरिया क्या करना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जिस पेज के आगे आपको बाइफर्केशन देना है, यानी ये दो पेजेस मुझे इंक्लूड नहीं करने हैं ना, तो मैं क्या करूँगा, इस पेज नंबर पे तीसरे नंबर पे क्लिक करके, थर्ड पेज पे क्लिक करके, पेज लेआउट में जाके ब्रेक्स के ऑप्शन में जाके नेक्स्ट के पेज पे क्लिक कर दूँ. जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको अभी कोई चेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप पेज नंबर इंसर्ट करोगे देन यू विल सी द चेंजेस. तो आप क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इंसर्ट में जाओ. इंसर्ट में जाके पेज नंबर में जाने का, और वहाँ पे टॉप ऑफ द पेज या फिर बॉटम ऑफ द पेज कहाँ पे देना है आपको नंबर. अगर आप बॉटम ऑफ द पेज लोगे तो पेज के नीचे आएगा, और टॉप ऑफ द पेज लोगे तो ऊपर आएगा. तो मैं टॉप ऑफ द पेज सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे जैसे आप अगर देखोगे तो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है 3, 4, 5, 6. तो ये जो सेटिंग है वो मुझे अभी थोड़ी सी चेंज करनी है. लेकिन ऊपर के पेजेस पे अगर आप देखोगे तो अभी भी नंबर्स आ रहे हैं. आप बोलोगे कि नंबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखो हमने अभी जो पहले सेक्शन बनाया था वो सेक्शन, अभी आप ध्यान से देखना है, इधर फर्स्ट जो दो पेजेस है उसमें दिखा रहे सेक्शन नंबर 1, ओके. नीचे के दो पेजेस है वहाँ पे दिखा रहे सेक्शन नंबर 2. लेकिन इधर और एक चीज़ आ रही है सेम एज प्रीवियस, मतलब कि ये पेजेस, ये जो नीचे के पेजेस है वो ऊपर के पेजेस के नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं. तो उसके लिए हम, उसको हटाने के लिए ये जो टैग लिखा है उसे हटाने के लिए हमें लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन है उसको अनक्लिक कर देने का. और अनक्लिक करने के बाद आप वापस से पेज नंबर में जाओ, फॉर्मेट पेज नंबर में जाओ, स्टार्ट एट 1, ओके कर दो. तो जैसे आप ये सेटिंग करोगे और क्लोज हेडर एंड फुटर कर दोगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे पेज नंबर दिखाई देगा, जैसे पेज नंबर 1, 2, 3, 4. और अगर आप, मैं ऊपर के पेजेस की बात करूँ कि वो इंक्लूड हुए कि नहीं, तो वो दोनों हुए हैं, लेकिन उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं. यहाँ पे पेज नंबर दिख रहे हैं लेकिन उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं ऊपर के दोनों पेजेस में. तो कैसा करने का, डबल क्लिक करो डायरेक्ट, और ये जो 1 लिखा है उसको डिलीट मार दो. एक जगह पे डिलीट मारोगे तो वो सब जगह पे डिलीट होगा, और क्लोज हेडर एंड फुटर कर देने का. तो अभी देखिए यहाँ के पेजेस पे कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ के पेजेस पे 1, 2, 3, 4 ये सब लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये एक तरीका है अपने हिसाब से पेज नंबर डालने का. इसी तरीके से आप कोई भी पेजेस को इंक्लूड कर सकते हो, अपने हिसाब से किसी भी पेज पे नंबर दे सकते हो. तो ये मैंने आज वीडियो बनाया जो बहुत ही काम आने वाला है आपके. अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप, मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में जानकारी दें, ताकि उन्हें भी प्रोजेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए. एंड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं बाय कमेंटिंग ऑन माय चैनल CompuKey, CompuKey. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.